डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में जाना अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का क्रम क्या है वॉट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टेन्स वी ऑल नो दैट प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड या प्रोटीन का निर्माण होता है हर अमीनो एसिड में आप जानते हैं कि एक सीओज ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप एनएसटू ग्रुप होता है जब ये दो अमीनो एसिड आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एमाइड बॉन्ड अर्थात सीओ एन एच बॉन्ड अमाइड बॉन्ड को ही प्रोटीन्स के केस में हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं तो जब एक अमीनो एसिड का सीओएच एच दूसरे अमीनो एसिड के एन एच टू ग्रुप से इंटरेक्ट करता है जैसा अभी हम लोग पढ़े तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और सीओ एन एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और रासायनिक रूप से देखा जाए केमिकली देखा जाए तो ये एक एमाइड बॉन्ड है अब ये जो दो अमीनो एसिड मिलके जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम डाई पेप्टाइड कहते हैं और पेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा और पेप्टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है अगर हम तीन अमीनो एसिड लें तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे और उसमें दो अमीनो आ, दो पेप्टाइड होंगे और तीन अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे अब इसी तरह से ये जुड़ते चले जाते हैं अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें प्राय हम एनएसटू ग्रुप को लेफ्ट में रखते हैं यह कन्वेंशन है और उस छोर को हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं दू, दूसरा छोर जो राइट हैंड साइड पर होता है जिसमें सीओएच ग्रुप फ्री होता है उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं तो एक छोर पर एन टर्मिनल अमीनो एसिड और उसकी नंबरिंग हम वन करके करते हैं और फिर इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में जहाँ पर सीवेज ग्रुप फ्री होता है उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका डिटर्मिनेशन वो एन टर्मिनल एनालिसिस भी हो सकता है मतलब एन छोर से एन टर्मिनल छोर से हम अमीनो एसिड का क्रम पता करें या सी टर्मिनल एनालिसिस भी हो सकता है यानी हम अगर सी uh, टर्मिनस से हम अमीनो एसिड का क्रम पता करें अमीनो एसिड का क्रम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अमीनो एसिड का क्रम बदलता है तो हमें अलग प्रकार की प्रोटीन मिलती है अगर हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन लेते हैं तो एक तरफ एनेस्टू ग्रुप फ्री होगा और दूसरे तरफ सी ओ एच ग्रुप फ्री होगा जिस तरफ एनेस्टू ग्रुप फ्री है उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं और जिस तरफ सी एच ग्रुप फ्री होता है उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं जहाँ तक नॉर्मन क्लेचर की बात है तो अमीनो एसिड का आई एन ई जैसे ग्लाइसिन में इन लगा हुआ है वो आई एन ई इल से रिप्लेस हो जाता है वाई एल से रिप्लेस हो जाता है केवल जो लास्ट अमीनो एसिड है यानी सी टर्मिनल अमीनो एसिड उसके नाम में परिवर्तन नहीं होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे एक हमने एग्जाम्पल लिया है ट्राई का इसका मतलब यह है कि इसमें तीन अमीनो एसिड है एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन है दूसरा अमीनो एसिड एलिन है और तीसरा अमीनो एसिड ल्यूसिन है यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसका नॉमिन क्लेचर करेंगे और क्या इसका सीक्वेंस है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इसको देखें तो ये जो अमीनो एसिड है ये ग्लाइसिन है और यहाँ पर आप देखिए कि ये ग्रुप फ्री है तो इसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं और चूंकि ये ग्लाइसिन है ये हमने ऐसे लिखा है अगर हम इसी ट्राइपेप्टाइड का दूसरा छोर देखें तो ये COH एच फ्री है तो इसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे और चूंकि ये लाइसिन है ल्यूसिन है इसलिए इसका जो नॉमिन होगा चूंकि पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन है तो ग्लाई हो गया ग्लाइसिल ग्लाइसिन का आई एन ई लग रहा है तो ग्लाइसिल इसको हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद यह जो अमीनो एसिड है ये एलेन है तो इसका भी आई एन ई हट जाएगा आईएल लगेगा एल एनिल ये हुआ और जो तीसरा है ल्यूसिन है उसको उसका नाम हम जस का तस रखेंगे क्योंकि वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड है तो इसका नाम ल्यूसिन है तो ग्लाइसिल एल एनिल ल्यूसिन इसका नाम हुआ या अगर हम थ्री लेटर एब्रीविएशन से इसका इस ट्राइपेप्टाइड का नॉमिनक्लेचर करें जी एल वाई ग्लाइसिन के लिए है एलेनिन के लिए ए एल ए है और ल्यूसिन के लिए एल ई डब्ल्यू एल ई यू है तो इस तरीके से ट्राइपेप्टाइड और यही अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो पॉलीपेप्टाइड चेन का भी नॉमिनक्लेचर इसी तरीके से किया जाता है